की तरफ ले जाना चाहूंगा मैं कि अभी जो है नेपोटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है जब से सुशांत सिंह इस दुनिया को छोड़ के गए उस उसको लेकर फिर बहुत सारी बातें हो रही है कि नेपोटिज्म को लेके उन्होंने आत्महत्या की आप भी खुद एक बाहर से आए हुए हैं आपने क्या फील किया उस बात को लेकर हाँ जी आप, आप, हाँ तो नेपोटिज्म के बारे में मैं पूछ रहा था कि आप क्या फील करते हैं क्योंकि आप भी एक आउटसाइडर है और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप तो आपने कभी ऐसा फील किया है कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है और कंगना ने भी जो है इंटरव्यू में कहा था कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है तो उस चीज को लेकर आपकी क्या राय है नेपोटिज्म की बात तो देखिए एक चीज तो है मैं तो आ, मतलब कहीं कहीं बड़े तरीके से कहीं कहीं छोटे तरीके से कि अपने लोगों को ही ज्यादा लोग पुश करते हैं टैलेंट को पीछे कर करते हैं ये तो हम सभी ने देखा है मैं तो अब उतना ज्यादा हालांकि मैं इससे वरी नहीं हूँ पहली बात तो ये हाँ. है जहां तक सुशांत जी की बात है तो ये तो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज थी हमारे लिए आज भी है और हाँ. यकीन भी नहीं होता है कि ये हादसा हो चुका है आज महीना भर से ऊपर हो चुका है बट सच्चाई बता रहा हूं मैं मुझे यकीन ही नहीं होता है कि ये हादसा हुआ है क्योंकि हम इतने करीबी भी नहीं रहे कभी मुलाकात ऐसी नहीं हुई है एक बार मुलाकात हुई थी वो भी आ, क्रिकेट प्रैक्टिस ग्राउंड पे हुई थी तब वो माही महेंद्र सिंह धोनी की जो बायोग्राफी है उसमें वर्क कर रहे थे तो वहां पे मुलाकात हुई थी हमारी बट सच्चाई ये है कि नेपोटिज्म कहिए या फिर आप कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्रेंडशिप में भी अपने जिनके पास टैलेंट नहीं होता है उनको भी ये लोग बढ़ावा देते हैं तो ये भी खत्म होना चाहिए आ, राई। ये राई। मैं नहीं। बोल सकता कि हीरो का लड़का हीरो नहीं होना चाहिए ये मैं कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि देखिए अगर उसमें टैलेंट है तो वो होगा अगर नहीं है तो नहीं होगा हाँ बट किसी टैलेंटेड की जगह आप मत दो उसको जो टैलेंटेड इंसान जो इतनी मेहनत करके आया हो उस जगह पे आप उसको रिप्लेस तो मत करो ये तो चीजें बहुत जगहों पे हुई है और कहीं ना कहीं इसमें लोगों का साथ तो होता ही है एक एक ग्रुप सा हो है लोगों का कि हलो? हलो, हलो। हाँ जी हाँ जी आप हाँ। दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे हाँ। मैंने बोला कि एक ग्रुप सा बन जाता है कि हाँ। कोई कोई चर्चित मान लीजिए निर्माता हो कोई चर्चित हीरो हो तो लोग उसकी ही मतलब होता ना कि उसको खड़ा करने लगते हैं जो उसका खुद का मतलब बंदा हो या बंदी हो या फिर उनके बच्चे लोग हों तो ये चीजें तो हैं क्योंकि देखिए मैंने ये भोजपुरी में भी देखा था कि एक लॉबी सी बन जाती है लोगों की और इसमें कई लोग शिकार बन जाते हैं और टैलेंट जो पीछे रह जाता है बट उसका खामियाजा इंडस्ट्री को ही भुगतना पड़ता है आप देखेंगे तो अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप कितना कर सकते हो काम ज्यादा नहीं कर सकते हो लेकिन हाँ इस बात का दुख तो जरूर होता है कि एक टैलेंट कोई टैलेंटेड है अब जैसा आपने सुशांत के बारे में बोला है सुशांत तो रे बाब अब उनको तो मल्टी टैलेंटेड मैं बोलू की क्या बोलू जो scholar, में हाँ, मतलब स्कॉलर स्टूडेंट और मतलब क्या नहीं इतना अच्छा लुक इतने मेहनती इतनी हिट फिल्में दिया उन्होंने और मतलब कैसे कुछ कुछ मतलब ऐसा यकीन ही नहीं होता कि कुछ तो बहुत ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा झोल होगा या फिर कुछ एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जो हमको देखिए हमको बाद में पता चला कि सात फिल्में उनको मिली थी जिसमें से छह फिल्में वापस ले ली गई हमको ये हादसा होने के बाद ये पता चला पहले नहीं पता था नहीं। तो ये चीजें क्यों हुई ये हम भी जानना चाहते हैं हम हम डेली चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट आते रहे जो कि नहीं आ रहा है यह दुख की बात है आनी चाहिए कि यहाँ तक इनका मामला आया है ठीक है ना वजह क्या है देखिए वजह तो जरूर है ठीक वजह तो जरूर है ये कोई बोल देगी कि नहीं बंदा डिप्रेशन में बंदा ये करके वो करके मैं बोलता हूँ अरे भाई मेरे बंदा डिप्रेशन में आजकल हर एक कोई डिप्रेशन में जाता है निकलता है अलग अलग तरीके हो गए लोगों के और ओवी सुशांत सिंह जैसा एक्टर वो ये हादसा मतलब तभी हो सकता है जब कोई बहुत बड़ा गेम हो बहुत कुछ चीजें हो तो वो चीज आप निकाल के लाओ हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं बट आ, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा नेपोटिज्म के बारे में बट बट सच्चाई ये है कि मैं जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले प्लीज जो टैलेंटेड लोगों लोग हैं उनको आप आगे रखिए ना कि अपने जो आपके सो so कॉल्ड मतलब होता है ना कि जो चमचे ही करने वाले लोग होते हैं भाई आप, चमचे हाँ बटरिंग करने वाले होते हैं आप उनको बस खाली भैया ये कर दिए तो बड़ा अच्छा लड़का है बड़ी अच्छी आपका कोई ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए आप हर जगह पे टैलेंट को रखो आगे रखो फिर देखिए बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा और मतलब आप आए दिन हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं आपने देखे होंगे तो मैंने सुना था मुझे ये नहीं मालूम था कि पहले मल्टीप्लेक्स में भी जगह बड़े स्टारों को ही दी जाती थी राइट right, राइट right. ये सुनने में हमेशा आता था लेकिन हुँ. धीरे धीरे आपने देखा होगा कि बड़े स्टार क्या छोटे स्टार क्या बड़े स्टार की फिल्म जो है पचास करोड़ भी नहीं पहुंच रही है वहीं पे सौ करोड़ का क्लब पार कर जा रही है कोई नए लड़के की फिल्म ठीक है ये right. ये आपने जल्दी में देखा होगा ये पहले नहीं था ऐसा तो हाँ। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे मैं कहा से बोलना हाँ। चाह रहा हूँ इस चीज को हाँ, 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 तो ये ये जाहिर सी बात है कि टैलेंट को हर एक कोई पसंद करता है हर एक कोई पसंद करता है लेकिन भाई हाँ जरिए जरिया तो आप ही लोग हैं कि आप दिखाओगे तभी लोग जान, जान पाएंगे और उनके तक पहुंच पाएंगे लोग तो मैं भी कहीं ना कहीं मैं देखा हूं कि ये बहुत ज्यादा है लोगों में बड़े लेवल से लेके छोटे लेवल तक की है ये चीजें ये तो बिल्कुल और हर एक कोई मानेगा इस बात को लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर स्टार किड है कोई और वो टैलेंटेड है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में होना चाहिए और उसका हक है जैसे मैं मान लीजिए अगर कल को क्रिकेटर होता तो मैं डेफिनेटली चाहता कि मेरा लड़का क्रिकेटर बने अब वो नहीं उस वो टैलेंट नहीं है तो नहीं बन पाएगा लेकिन हाँ ये भी है कि देखिए अभी मैं बहुत बड़े क्रिकेटर का नाम लेना लेने जा रहा हूं जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर उनके right. लड़के हैं अर्जुन तेंदुलकर देखिए रही बात अर्जुन मतलब कि सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम है कि आ, शायद बहुत पहले अगर ऐसा होता तो आ, बहुत लोगों के लड़के भी खेल चुके हैं मैंने देखे हैं लेकिन हाँ। अभी जो चल रहा है ना क्रिकेट में वो चल रहा है टैलेंट हाँ। वो चल रहा है उसका हुनर कि अब वो धीरे धीरे हमारे बॉलीवुड से लेके कहीं ना कहीं टीवी भी इससे ग्रसित है उसमें भी कहीं ना कहीं अब आ रहा है कि नहीं यार वो टैलेंटेड है या वो लड़की ठीक है तो अब लोग धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन बड़े तरीके से नहीं कर रहे हैं। राइट, तो राइट, वो कहीं कहीं आप लोग भी ऐसे जरिया हो कि अगर इस चीज को उठाते हो कि भाई वो टैलेंटेड है उसको क्यों नहीं वो तो सही था लेकिन क्यों ये क्यों क्योंकि ये मायने रखता है मैं बोल दूंगा चार लोगों से बोलूंगा लेकिन अगर आप लोग उस चीज को नहीं दिखाओगे अच्छा एक चीज मैंने ये और नोटिस किया है जो सोशल मीडिया है सर जो जैसे यूट्यूब हो गया ये सारी चीजें हो गई जैसे आप लोग जो हैं डिजिटल माध्यम सुशांत सिंह का मैटर जो है ना बहुत दिन पहले ही जो बड़े चैनल थे इन लोगों कही ने कहीं ना कहीं बंद कर दिया था हाँ। लेकिन आप लोगों ने और लोगों ने बंद नहीं होने दिया क्योंकि ये जो जरिया बना आ, डिजिटल माध्यम डिजिटल का ये जो था ना ये आज भी बना के रखा हुआ है आ, तो ये अगर पहले का समय होता तो अभी तक आप समझ सकते हो ना तो मतलब थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोगों ने इन चीजों को बना के रखा हुआ है और मुझे लगता है ये चलना चाहिए ये आ, मसला जब तक इसका सही इंसाफ ना हो तब तक होना ही चाहिए मुझे लगता है मैं ज्यादा बोल दिया इस टॉपिक पे नहीं नहीं अंदर अंदर बात है कि आपने जो भी बोला बहुत अच्छा लगा और इसके अलावा और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने नेपोटिज्म की की बात की, तो ये डिबेट बहुत टाइम से चलते आ रहा है और इसमें ये भी डिबेट होता है कि शाहरुख खान साहब की बात करें या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें इरफान खान की बात करें अगर नेपोटिज्म होता तो उनको जगह कैसे मिलती ये भी एक डिबेट चला आ रहा है बहुत सालों से तो उस बारे में आपकी क्या राय है देखिए बात क्या है ना कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना सौ में से तीन चार ठीक है ना अगर सौ में से तीन चार टैलेंटेड आ गए आ और हैं सौ, सौ में से कम से कम पचास टैलेंटेड है होना क्या चाहिए उल्टा होना चाहिए कि चलो तीन चार पास टैलेंट नहीं है वो चल रहे हैं इधर उधर हो संख्या ज्यादा होनी चाहिए टैलेंट, टैलेंटेड लोगों की रही राग। राग। बात नवाजुद्दीन की मैं क्या बोलूं वो उनको खुद पता होगा कि वो कितना मेहनत किए होंगे या वो कैसे आए हैं ये शाहरुख खान को ही पता होगा इवन देखिए मैं सबसे मैं अक्षय कुमार को कुछ मैटर में बहुत पसंद करता हूँ वो मुझे फाइटर लगते हैं क्योंकि रही बात अक्षय कुमार की तो अक्षय कुमार आज से नहीं है बहुत सालों से इंडस्ट्री में वो जिस हिसाब से आ, अपनी आ, मतलब बात को रखते हैं कि जब उनको अवार्ड को लेके कि इतनी फिल्में किया आपने आपको कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला ये वो दिस तो बड़े ही आ, वो मजाक के अंदाज में जो जवाब देते भाई मुझे अवार्ड मत दो पैसे दे दो <laughs> हाँ. वो, वो जो चीज होती है ना कि वहां पे भी ये है कि वहां पे भी कहीं ना कहीं एक ग्रुप साथ ग्रुप चलता है कि, कि किसको देना हाँ. है किसको नहीं लेना है अभी जल्दी ही हमने एक फिल्म एक केसरी जो आई थी हेलो हेलो uh, आप आप आपका चित्र ही रुक गया था हेलो हेलो आवाज आ रही है आपको हाँ हाँ मुझे आ रही है हेलो हाँ, ओके ओके अभी परफेक्ट हाँ, हाँ. हाँ, मैंने बोला ना कि अक्षय कुमार अक्षे को लेके कुमार से हाँ हाँ तो उन्होंने बहुत मजाक के तौर पे बोला था कि भाई मुझे पैसे दे दो मैं डांस कर दूंगा मुझे अवार्ड मत दो ठीक है क्योंकि वहां भी पता है कि इसका खेल होता है तो वो बड़ी इंडस्ट्री जिसको हम लोग फॉलो करते हैं जिसको मतलब हमारे कई मतलब सब लोग फॉलो करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को तो कहने का मतलब क्या है कि अभी जल्दी में ही एक गाना बड़ा हिट हुआ था तेरी मिट्टी में मिल जावा जो हाँ। बहुत बीपराग बी जिन्होंने गाया था गाना बहुत बहुत हाँ, हाँ बहुत ज्यादा पसंद था हम लोगों को जिसको अवार्ड नहीं मिला था

आपसे चीजें छीनेंगे लोग लेकिन फिर आ जाने का आज बंदा जो है खुद फिल्में बनाता है खुद हिट दुनिया भर की हिट देके घर पे ही पैसे लाते हैं ठीक <laughs> है फिर हिट बनाते हैं अभी अक्षय कुमार की एक अलग है पहचान और एक अलग आप समझ रहे हो ना क्या अक्षय कुमार मैं वही चाहता था कि यार सुशांत सिंह भी उस जगह पे थे उस जगह पे थे वो कि जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास जो मेन चीज की जरूरत थी वो थी फैन फॉलोइंग वो थी उनकी सोसान सिंह कहीं पे भी जाके काम करते तो उनकी फैन फॉलोइंग जो उनके फैन हो जाएंगे उनकी फिल्म देखने तो ये हादसा कैसे हुआ ठीक है ना और और वो मतलब उस 11 13 साल की ही जर्नी में इतने बड़े स्टार बन चुके थे तो आने वाले टाइम में क्या बनते वो तो भगवान मतलब जाने जो भी सारी चीजें थी लेकिन बहुत अच्छा रहता उनके लिए बट हादसा कैसे हुआ है ये जरूर अचंबित करता है कर तो वो दुख मैं बता रहा हूँ बहुत ही कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा सर की किसी को आप जानते नहीं हो बट आप पर्दे पे देख रहे होते हो या फिर कहीं एक माध्यम होता है देखने का और उससे एक ऐसा लगाव सा बन जाता है कि आप जनरली उनसे मोहब्बत कर बैठते हो कि ये बंदा और जेन्युन है तो सुशांत सिंह के साथ भी ऐसा ही होने लगा है मैं खुद मैं बता रहा हूं कि मैं मैं अभी भी बिलीव नहीं करता कि ये हादसा हुआ है अभी भी नहीं अभी जैसे दिल बेचारा आने वाला है उनका 24 क्वार है मैं ट्रेलर देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार बंदा तो होगा कहीं वैसे एक अब कैसे बोला जाए कि क्या ये आखिरी फिल्म हो सकती है बहुत बहुत शॉकिंग है सबके लिए बहुत शॉकिंग है तो वही है कि शॉकिंग तो है और इसका मुझे लगता है कि ये चलना चाहिए ये डिजिटल में हम लोगों से और लोगों से भी सवाल होने चाहिए और ये खत्म नहीं होना चाहिए जब तक इसकी मतलब सही जांच पड़ताल ना हो जाए ये मैं बिल्कुल अपनी तरफ से मांग करूंगा कि ये होनी चाहिए